हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में क्या नाम है उसका? हिंदी में नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है बच्चों? सांख्यिकी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, शुरू करते हैं सांख्यिकी। ये बच्चों, इसमें आप अच्छे से जानते हो कि इसका जो हिसाब किताब है वो मीन मीडियन मोड। क्या है? मीन मीडियन मोड। इस चैप्टर में ये तीन चीजें आपको दिखाई देंगी, मीन, मीडियन और क्या है बच्चों? मोड। अब कैसे मीन निकाला जाता है, कैसे मोड निकाला जाता है और कैसे मीडियन निकाला जाता है, ये सारी बातें एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे और ओवर करेंगे। चलिए, तो आज मैं आपको सबसे पहले मीन निकालने का एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, यानी तीन तरीके से हम लोग मीन निकालेंगे आज ही। आज में एक ही क्वेश्चन को मैं तीन तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर जो भी तरीका आपको पसंद आए, ठीक है, जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप उसका आंसर भाई निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी नहीं बोला जाएगा कि इसी तरीके से निकालो, जो तरीका आपको आता है उस तरीके से आप आंसर निकालो। ठीक है, जैसे चलिए भाई, तीन तरीके हैं स्टैट्स में मीन निकालने के। क्या निकालने के? मीन, मैं यहां लिख देता हूं, मीन हिंदी में माध्य। ठीक है भाई, तीन फॉर्मूले बनते हैं। यानी एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, एक एज्यूम मीन मेथड। कल्पित विधि और एक है तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पद विचलन विधि। इंग्लिश में इसका एक और नाम होता है शॉर्टकट मेथड। ये आपको 11th क्लास में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे इस नाम का यूज होगा और बकायदा पर्सनली बोला जाएगा कि भाई शॉर्टकट मेथड से ही करके दिखाओ, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो बच्चों, हम ये तीन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, और तीनों मेथड का जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, देखो, मीन निकालना, मीन का जो सिंबल होता है वो होता है एक्स के ऊपर बार। तो इसका होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है जी, अब याद रखिएगा, इस वाले सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना। क्या होता है इसका मतलब? टोटल करना, कि जो भी एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो और जो भी इसका टोटल होगा उसे सिग्मा लगाएंगे। एफ सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है? एफ आई का टोटल करो। ठीक है, फिर एक आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में होता है मीन बराबर ए मतलब एज्यूम मीन, ठीक है, और सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होगा ए का मतलब एज्यूम मीन है यहाँ पे। एज्यूम मीन मतलब माना हुआ मीन। ठीक है, अगला स्टेप डेविएशन मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में सिग्मा सॉरी मीन ए प्लस में सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, एफ आई वाई आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। बस एक ही चीज का फर्क आ जाता है बच्चों, किसका? एच का। बाकी देख लो, है बिल्कुल सेम एज्यूम मीन मेथड की तरह ही। ठीक है, तो ये तीनों के फॉर्मूले उतार लो, फिर मैं आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन लेके तीनों तरीके से करके दिखाता हूँ कि आखिरकार तीनों तरीके से हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको।
चलिए आगे देखेंगे बच्चों। अब मैं कोई भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन को मैं आपको तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा, पहले डायरेक्ट से, फिर एज्यूम से, फिर स्टेप डेविएशन से। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप किसी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले मैं डायरेक्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ आपको, और डायरेक्ट मेथड से पहले कुछ जरूरी बातें हैं वो भी देख लो, सबसे पहले वो भी बातें नोट कर लो। एक होता है बच्चों क्लास इंटरवल, जिसे हम लोग लिखते हैं CI हिंदी में, वर्ग अंतराल, कि आखिरकार भाई कितने से कितने के बीच का गैप हम लेके चले। मतलब जैसे मान लो हमने कहा कि भाई 10 घर हैं, 10 घर हैं, और हर घर कुछ ना कुछ प्लांट लगाता है, ठीक है, कम से कम 10 प्लांट लगाता है, ठीक है, 10 से ज्यादा भी, और मैक्स यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 प्लांट लगाता है। तो कैसे, मान लो किसी घर ने 10 से 20 के बीच में, किसी घर ने 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80 से 90, 90 से 100, इस तरीके से कितने घरों ने भाई प्लांट लगाए इस तरीके से। तो ये इनकी रेंज है कि किस रेंज में काम कर रहे हैं हम। तो जिस रेंज में काम करना होता है वो हमारे लिए क्या काम करता है, CI। ठीक है, अगला होता है बच्चों क्लास मार्क। क्लास मार्क वर्ग चिन्ह, जिसे हम डिनोट करते हैं बच्चों XI से। कैसे डिनोट करते हैं, XI से। फिर एक होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसे हम लोग FI से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या भाई, इसे हम बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसे हम लोग CF से डिनोट करते हैं, और ये होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो बच्चों ये 4 चीजें हैं, और इन्हीं 4 चीजों से हम लोग सारे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, फटाफट से नोट करो। फिर अच्छा एक बात और बताऊंगा, जैसे कोई भी आप CI लिखते हैं तो CI ऐसे लिखते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, जो ये पहले वाले होते हैं इनको कहा जाता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और ये वाले जो होते हैं ये होता है अपर लिमिट, उच्च सीमा, ठीक है जी। लोअर लिमिट, निम्न सीमा, अपर लिमिट, उच्च सीमा, ये होता है बच्चों। और XI इसी के कॉन्टेक्ट से निकलता है। कैसे निकलता है, XI निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, यानी जो आप क्लास मार्क निकालते हैं XI निकालते हैं, वो किससे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी इसमें, फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं तीनों मेथडों से। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा भाई, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन एक एक करके, ताकि सारी चीजें समझ में आए। जैसे सेकंड क्वेश्चन करा रहा था मैं, पहले डायरेक्ट मेथड से कराऊंगा, ठीक है बच्चों। हाँ भाई, CI कह रहा भाई फैक्ट्री में बंदे हैं, उनके डेली वेजेस है 500 से 520, 520 से 540,
540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, ये डेली वेजेस हैं। और नंबर ऑफ वर्कर जो है, नंबर ऑफ वर्कर ये हैं 12, 14, 8, 6, 10, इनका टोटल कर दो बच्चों, टोटल करो। 8, 8 और 2 10, और 10 20, 0 2, 2 और 3 5, 50 आ गया भाई। अब हम सबसे पहले कौन से मेथड से करेंगे? डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं, ध्यान दो, पहले एक्स आई निकालो। याद रखना मेथड कोई सा भी हो, एफ आई एक्स आई तो निकालना ही निकालना है। तो एफ आई तो पहले से दिया होगा, एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, याद करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो लोअर लिमिट को कितना है 500, अपर लिमिट कितना है 520 अपॉन 2। तो ये आ गया 1020 बटे में 2, कैंसिल आउट करेंगे 510, तो कितना आ जाएगा 510, कितना आ जाएगा 510। अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है आपको, अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आप कैसे करोगे, इन सबका गैप देखो, इन सबका आपस में गैप देखो, आप सबके बीच का गैप देख रहे हो, 20 20 20 20 20 है, तो बस इसका भी गैप 20 20 बढ़ाते चलो। तो 530, 550, 570, 590, ऐसे गैप बढ़ाते चलो। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना है, तो बस एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, जीरो अपनी जगह पर रहेगा, 12 एकम 12 का 2 रह गया 1, 12 पंजे 60 और 1 61। फिर इस तरह 0, हाँ भाई 14 तीन 42 का रह गया 2, बच गया 4 और 70 और 4 74। फिर इस तरह 0 0 और ये 44, फिर ये 0, 7 6 42 का 2 रह गया 4 और ये 34 और ये आ गया 5900। ठीक है, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मतलब क्या, दोनों को टोटल करो भाई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है पहले दोनों को मल्टीप्लाई, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है टोटल करो। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा भाई 4 3 12 और 10, 12 और 10 22, ठीक है 12 और 10 22, 2 और 2 13 और 2 15, 15 और 7, 15 और 7 कितने होते हैं 22, 22 और 5 27, ये है आंसर। ठीक है, अब निकालना है मीन, तो मीन निकालो। मीन क्या है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है, तो बस 27 26 50, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 2 2 इसको देखो, 4 बारी में 2, 5 बारी में 2, तो इतना मीन कितना आ गया 545.2, कितना आ गया 545.2। ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है ये, डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि। अब इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से, इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है जी, एज्यूम मीन मेथड से करवा रहा हूं। किससे करवा रहा हूं, एज्यूम मीन मेथड से। इसी क्वेश्चन को देखो जरा, सी आई 500, 520, 520, 540, 540, 560, 560, 580, 580, 600, ठीक है। एफ आई, एफ आई क्या है भाई, 12, 14, 8, 6, 10। एफ आई सिग्मा एफ आई टोटल कितना था 50। हाँ जी, अब एक्स आई तो निकालना ही है, तो एक्स आई मैंने बता ही रखा आपको कैसे निकालते हैं, इतना तो काम आपको करना ही करना है। चलो भाई, यहां से कहानी शुरू होती है एज्यूम मीन मेथड की। यहां से कहानी किसकी शुरू होती है, एज्यूम मीन मेथड की। चलिए एज्यूम कैसे करेंगे, एज्यूम कैसे करेंगे, जब भी एज्यूम करना है एक्स आई में से करना है, जब भी एज्यूम करना है किसमें से करना है, एक्स आई में से। कैसे करेंगे, देखो एक ऊपर से छोड़ो एक नीचे छोड़ो, एक ऊपर से छोड़ो एक नीचे छोड़ो, बीच में आ गया, बीच में आते ही कर दो एज्यूम मीन, बीच में आते ही क्या बन गया ये आपका एज्यूम मीन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई अगर बीच में दो आ जाए तो क्या करेंगे, तो फिर उसका भी तरीका मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल तो ऊपर से छोड़ो नीचे छोड़ो, ऊपर से छोड़ो नीचे छोड़ो, जो भी बीच में आ गया वो आ गया। हाँ जी, अब आपको निकालना है डी आई, फॉर्मूला देखो, याद करो मीन का फॉर्मूला, सिग्मा ए सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही है ना फॉर्मूला। तो इसका मतलब हमें डी आई निकालना पड़ेगा, और डी आई कैसे निकलेगा, डी आई निकलेगा एक्स आई माइनस में एज्यूम मीन। कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस में एज्यूम मीन। तो क्या करेंगे भाई, एक्स आई में से ये एज्यूम मीन माइनस करते चलो,
भाई 510। हाँ भाई एज्यूम मीन कितना आपका 550। अब एक एक करके चलो माइनस करते चलो, पहले 510 में से 550 माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 40। फिर 530 में से माइनस करो तो माइनस का 20। फिर 550 में 550 माइनस करो 0। 570 में से 550 माइनस करो प्लस का 20। 590 में से 550 करो तो प्लस का 40। ठीक है जी, चलो अब ये डी आई आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई करो एफ आई डी आई। क्या करो, एफ आई डी आई करो भाई, एफ आई डी आई भाई। 12 को 40 से करोगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48 480। 14 को करोगे 14 दूनी 28 280। हाँ जी 8 का 0 से करोगे तो 0। 20 का करोगे 120, इसका करोगे 400। सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखो ये दोनों है बच्चों माइनस में, इनको ऐड करोगे तो आएगा 0 6 और 7 माइनस का 760। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इनका आएगा 520। अब देखो ये 520 आया प्लस में और ये आया आपका कितना माइनस 760। तो यानी ये है माइनस में ये है प्लस में, तो आंसर किस में आएगा 042, वो भी कितना माइनस का 240। कितना आ गया माइनस का 240। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करना है, ए ए एज्यूम मीन कितना है 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस का 240। सिग्मा एफ आई कितना है 50, 0 से 0 कट गया। हाँ भाई मीन 550 भाई, ये प्लस माइनस माइनस 24/5 कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा, काटोगे 4 टाइम्स में और 4 0 8 टाइम्स में। ठीक है कितने टाइम में, 8 टाइम में। अब कर दो माइनस भाई, माइनस करो। हाँ भाई 550 में 4 गया 546, 8 गया 545.2। आंसर देख रहे हो, आंसर बिल्कुल सेम है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा कभी भी, मेथड कोई सा भी अपना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है जल्दी से कर लो, जल्दी कर लो, दोनों मेथड सिखा दिए, अब इसके बाद स्टेप डेविएशन सिखाऊंगा, जल्दी नोट करो। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ठीक है। ठीक है जी, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं किससे करता, स्टेप डेविएशन मेथड से करता तो कैसे होता इसी क्वेश्चन को, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से ना करूं, मैं किसी और क्वेश्चन को करूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन में भी जाके स्टेप डेविएशन समझ में आए। ठीक है जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया सिक्स्थ क्वेश्चन, या सिक्स नहीं फोर्थ ले लेता हूँ, फोर्थ थोड़ा टिपिकल भी है। आओ सी आई, सी आई दे रखा है फोर्थ में आपको 65 68 68 71 71 74 74 77 77 80 80 83 83 और 86। फिर आपको एफ आई दे रखा है इसका 2 4 3 8 2 4 3 8 7 4 2, ऐड कर दो भाई इसको, ऐड करो सिग्मा एफ आई को, 6 और 3 9 9 और 15
कितने हो गए? 24, 24 और 6 30, ये इसका टोटल। एक्स आई निकालो। हाँ जी, एक्स आई कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट है 65, अपर लिमिट है 68 अपॉन 2। ऐड करो 60 60, 120 और 13, 133 बटा 2। कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया? 66.5, 66.5। ठीक है जी, ठीक है। अब सबके बीच का गैप देखेंगे बच्चों। सबके बीच का गैप 3 है। सबके बीच का गैप क्या है? 3। अच्छा 3 है तो आगे बढ़ाते जाओ। 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, और उसके बाद क्या है? 78 के बाद 81.5, 84.5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से तीन तीन बढ़ा के हम आगे निकाल सकते हैं। अब हम जो सीखने जा रहे हैं, मेथड का नाम क्या है भाई? मेथड का नाम मैंने बता दिया है स्टेप डेविएशन। हिंदी में क्या नाम है इसका? पग विचलन विधि। हाँ जी, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या है? ए प्लस में सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में डी, सॉरी इंटू में एच। तो ये पता होना चाहिए। तो हमें भाई अब ए क्या होता है? एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन क्या है? और बाकी हमें वाई आई निकालना पड़ेगा। तो एज्यूम मीन कैसे निकालेंगे? एज्यूम मीन जल्दी बताओ, ये निकालेंगे, इसको छोड़ा इसको छोड़ा इसको छोड़ा इसको इसको छोड़ा इसको, ये आ गया आपका एज्यूम मीन, ये निकलेगा आपका वाई आई और ए। ठीक है, और अपॉन में क्या निकलेगा बच्चों? एच। अपॉन में क्या होगा? एच। अब बात आती है कि एच होता क्या है। एच होता है इनके बीच का गैप। ये जो इनके बीच का गैप है ना बच्चों, सीआई के बीच का गैप। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, एच सीआई। ठीक है भाई, सीआई के बीच का गैप होता है एच। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले। हाँ जी, सॉल्व करना बच्चों पहले। एक्स आई कितना है? 66.5, और एज्यूम मीन कितना? 75.5। माइनस करोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ? माइनस करोगे तो बच्चों आएगा 9। और एच कितना है? एच, दोनों के बीच का गैप कितना? 3। तो भाई 66.5 में से 75.5 माइनस करोगे अपॉन में एच, एच कितना? 3। भाई इसको माइनस करोगे, माइनस 9 अपॉन 3 कट गया माइनस 3, तो यहां पे कितना आएगा? माइनस 3। भाई इसी तरह 69.5 में से 75.5 माइनस करोगे, माइनस का 6, 3 से काटोगे माइनस 2। 72 से 75.5 माइनस करोगे, माइनस का 3, काटोगे माइनस का 1। 75 से करोगे 0। 78 से करोगे 3 माइनस, हाँ जी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फिर? 3, 3 अपॉन में 3 1। 81 से करोगे 6 अपॉन में 3, तो कट जाएगा कितना? 2। इससे करोगे 3, तो बच्चों ये आ गया। बस इतना सा फर्क है, समझ में आ रही बात? आपने नेक्स्ट टाइम, अभी भी लास्ट टाइम निकाला था डीआई, डीआई में आपने करा था एक्स आई माइनस ए, लेकिन इस बार आप निकाल रहे हो वाई आई, और वाई आई में क्या करेंगे? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच कौन है? सी आई के बीच का गैप। ठीक है, अब क्या करना बच्चों? अब करना आपको एफ आई वाई आई, ये निकालना है एफ आई वाई आई। चलो करो भाई, 3 दूनी -6, 4 दूनी -8, 3 एकम 3 0, 7 एकम 7, 7 4 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। हाँ जी, सिग्मा एफ आई वाई आई टोटल करते हैं भाई। इसका टोटल कितना बना? 8 6 14 और 3, बताओ कितने होते हैं? 14 और 3 होते हैं भाई, माइनस का 17। ठीक है, और इन दिनों का टोटल करो, 15 और 6, 15 और 6 कितने होंगे भाई? 15 और 6 होंगे 21। ठीक है, अब ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कितना आ गया भाई? 21 में 17 गया 4। ठीक है, बस खत्म बात। हाँ भाई, ए कितना है? ए ए एज्यूम मीन कितना है? 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई एच, सिग्मा एफ आई कितना है? 30। एच एच है इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप कितना बच्चों? 10, सॉरी इसके बीच का गैप कितना? 3। इसके बीच का गैप कितना? 3, काटो 3 बन जा 3, 10। 75.5 प्लस 4 अपॉन 10, 75.5 प्लस, हाँ भाई 4 अपॉन 10 को 0.4 लिख सकते हैं, ऐड कर दो 75 पॉइंट, कितना आ जाएगा? 9। और यही आपका मीन है, यही आपका क्या है बच्चों? मीन है। पल्ले पड़ रही बात? तो इस तरीके से हम करते हैं क्या? स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए हैं, ठीक है, तीनों मेथड सिखा दिए हैं। अब एक एक करके मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, ये करना शुरू करें।
मिटा दूं। देखो बच्चों, अब जरा एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब आपको पूरी 14.1 खत्म करनी है इसी टारगेट को लेके, ठीक है? अब देखो जरा आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? थ्री। ये बच्चों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। किसका है? मिसिंग नंबर का। किसी मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेथड आपकी मर्जी का है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 24, सॉरी 25, और FI दिया हुआ है आपको 7, 6, 9, 13, F, 5, 4 और X है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब तक हमें FI पूरा कंप्लीट दिया जाता था, लेकिन इस बार F आपको FI में एक मिसिंग नंबर दिया गया है F, और इसका मीन ना आपको पहले से ही दे रखा है 18। मीन क्या दे रखा है आपको? पहले से ही 18, ठीक है जी? चलो अब जरा इसका टोटल करना, सिग्मा FI टोटल करो जरा इसका। 7 और 6 13, और 13 26, और 9 35, 35 और 9 44, यानी 44 प्लस F, क्योंकि F तो ऐड कर नहीं सकते। अब आता है XI। भाई XI कैसे करते हैं? XI आपको पता है कैसे निकालते हैं? XI निकाल के दिखाओ। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या 11, अपर लिमिट क्या 13 अपॉन 2। 11 और 13 क्या होता है? 24 अपॉन 2, कैंसिल आउट 12, तो ये आ गया आपका 12। ये कितना आ गया आपका? 12 XI आ गया। अब ये 12 आ गया, सबके बीच का गैप कितना? 2 2 2 2 2 सबका सबके बीच का गैप गया 2। बढ़ाते चलो, 14 16 18 20 22 24। अब FI XI, भाई 12 को 7 से करेंगे 84, इसको भी 6 से करेंगे 84, 19 को 6 से 144, 13 को करेंगे तो कितना रहेगा? 13 8 104 का 4, ठीक है, रह गया 10, 13 कम 13 और 10 240। अब लेकिन 20 को F से करोगे तो नंबर थोड़ी आएगा, ये तो कोई और नंबर आ गया, तो 20F को साइड में करो। 22 को 5 से करोगे 110, इसको करोगे 96, ऐड करो सिग्मा FI XI को, करो ऐड। 4 4 4 16 और 6 22 का 2, रह गया 2, 2 8 2 10 और 12 32, सॉरी 10 और 12 22, 22 और 10, 22 और 10 कितने हो गए? 32 और 3 35 का 5, ठीक है, रह गया 3, 3 और 1 4 और 3 7 और प्लस में 20F, ठीक है। चलो भाई मीन किसके बराबर होता है? मीन होता है FI XI अपॉन में सिग्मा FI, डायरेक्ट मेथड याद है, अभी अभी करवाया, तो मीन इसके बराबर होता है। तो सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी है? 752 प्लस में 20F। सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है? 44 प्लस में F बराबर 18, 1 है अपॉन में, इसको इससे करेंगे 752 प्लस में 20F, इसको इससे करेंगे 18 इंटू में 44 प्लस में F, 752 प्लस में 20F, 18 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 44 इंटू में 18 कितना होगा? 792 प्लस, फिर 18 की F से करोगे तो 18F, 18F इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा 792 प्लस का, भाई ये इधर 52 है तो इधर आके माइनस का, ये आ गया 2F, ये आएगा 40, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, कैंसिल आउट 20, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, देख रहे हो, करो इसे, सारे क्वेश्चन ट्राई करने आपको, सारे क्वेश्चन ये देख लो, आज मीन खत्म करा दूंगा किसी भी हाल में, ठीक है? चलो अब तो वैसे करवा दिए, सारे क्वेश्चन कर लो अब, मतलब सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो अब, ठीक है? आप सभी बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं जो भी आपका डाउट रह जाएगा वो करवाऊंगा, मीन और मोड, ठीक है? चलिए खत्म करते हैं, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।